पूर्व मैंने लगभग 4 साल पहले एक बार इसी तरह का प्रॉब्लम मुझे हुआ था, और पता नहीं इस बार मैं इस जागरण में कैसे हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। 6 कीमो के बाद बिल्कुल राम जी की दुआ है मेरे पे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कहीं ना सबका आशीर्वाद है मुझे, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से बात कर रहा था तो मुझे निश्चित तौर पे रामलीला की चिंता लगी थी, और मैं डॉक्टर से बोला कि क्या सर इतना तारीख से इतना तारीख तक रामलीला होता है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आप जरूर जाएंगे और रामलीला करेंगे, और कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद था और आप सबका प्रेम कि मैं आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा भैया को आप सभी एक बार और प्यारा आशीर्वाद अपना स्नेह दीजिए, और हमारी भाभी आप रोइए नहीं, बस मेरे साथ एक ही चीज गाइए, भैया कॉर्ड दीजिएगा। माँ आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आपको हमारी उम्र लग जाए, है ना, वो एक एक बड़ा प्यारा गीत है। हो हसला भाग हमर जाग जाए कि जा हमरो अरे भैया के लाग जाए कि जा हमरो भैया के लाग जाए। और हारे के सहारा है मेरी जो माँ है, माता रानी से सभी को प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आइए एक भजन माता रानी को धन्यवाद देते हैं। पूर्व मैंने लगभग 4 साल पहले एक बार इसी तरह का प्रॉब्लम मुझे हुआ था, और पता नहीं इस बार मैं इस जागरण में कैसे हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। 6 कीमो के बाद बिल्कुल राम जी की दुआ है मेरे पे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कहीं ना सबका आशीर्वाद है मुझे, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से बात कर रहा था तो मुझे निश्चित तौर पे रामलीला की चिंता लगी थी, और मैं डॉक्टर से बोला कि क्या सर इतना तारीख से इतना तारीख तक रामलीला होता है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आप जरूर जाएंगे और रामलीला करेंगे, और कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद था और आप सबका प्रेम कि मैं आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा भैया को आप सभी एक बार और प्यारा आशीर्वाद अपना स्नेह दीजिए, और हमारी भाभी आप रोइए नहीं, बस मेरे साथ एक ही चीज गाइए, भैया कॉर्ड दीजिएगा। माता जिनको किस्मत वाले होते हैं। ललन भैया का हाथ ये मेरे सर पे था, और भैया ने ही कहा था कि रामलीला समिति तुम्हें गोद लेता है, तो इस बच्ची को अनाथ करके कैसे कहीं कोई जा सकता है, हम भी तो आप ही के बच्चे हैं ना। एक बार मेरे साथ मिलके दोनों हाथ उठा के चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है।
चाहूंगी मेरी प्यारी भाभी एक बार दोनों हाथों पर खड़ा करके आंसू पोंछ के और मिल के गाइएगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया भाभी माँ समान होती। मैंने तो भैया को बोला कि आपने जब मुझे गोद ले लिया तो अनाथ करके तो कोई जाएगा नहीं, और ऊपर वाला सबको देखता है कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। और चाहेंगे मंच पे जितने लोग बैठे हैं सभी माता रानी का धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ उठा के मेरे साथ चलो बुला मस्त हवाओं का एक झोंका। धन्यवाद। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है। अब बोल दीजिए चलो बुलावा आया है कि चलो बुला ले लो अनुपमा ले लो मंटोली मंटोली से पुरस्कार। माता ने बुलाया है मेरा दिल के चलो Thank you.
सच्चे दरबार की जय। फिर जब हम लोग विद फैमिली जब 25 तारीख को इंदू भाभी जब वैष्णो माता पहुंचा जाएगा ना, तो एक ही चीज गाया जाएगा। हम तो मुझे तो टाइम जल्दी जल्दी नहीं मिलता, भैया के साथ एक बार दर्शन किए थे, लेकिन आपके साथ जब चलेंगे ना तो सभी मिलके जब चलेंगे चढ़ाई करेंगे, तो मैं जो गाऊंगी वो सभी गाएंगे, गाएंगे ना। तो मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथ उठाकर जब दरबार में हम सब पहुंचेंगे तो एक ही चीज गाएंगे कि तूने मुझे बुलाया शेरावा लिए, मैं आया शेरावा लिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावा लिए, मैं आया शेरावा लिए, सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की, सियावर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने माता पिता की और हमारे भैया की इस मुस्कान की। वाह, हाँ झांकी भी है ना भैया? अच्छा झांकी, अच्छा झांकी करवा देते। मिठाई भैया, निमिया के डाड़ मैया के साथ साथ दो चार गोर ना भजन होगा भोजपुरी, तो पहले झांकी देख लिया जाए, बेचारे सब लोग खड़े हैं, हमको भी थोड़ा सा समझते नहीं है आप बात को। चलिए